हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए करिश्मा एल्बम से रिलेटेड एक न्यू डिजाइन आपके लिए लाया हूं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारा न्यू अपडेटेड वीडियो जब भी आए वो आपके पास पहुँच जाए। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे और आपको स्क्रीन पर उसका आईडी दिख रहा होगा, वहां से आप हमें फॉलो कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं किस तरीके से डिजाइन करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक न्यू पेज लेना है। जो करिश्मा एल्बम का जो शीट का साइज होता है वो यहाँ पे हमें ओपन कर लेना है। यहाँ ऊपर फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पे पेज ओपन होगा। हमारे पास देखिए 12x36 का यहाँ पर एक कस्टम बना हुआ है, पेज बना हुआ है। अगर आपको आपके पास नहीं बना हुआ तो आपको क्या करना है, यहाँ साइड में जाना है, यहाँ पर देखिए विड्थ जो है इसे आपको 36 कर लेना है और हाइट जो है वो 12 कर लेना है। 36x12 है वो आपको इंच में रखना है। यहाँ पर देखिए इंच आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर पिक्सल है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो आपको किस में रखना है, इंच में रखना है। इंच सेलेक्ट कर लेंगे, रेजोल्यूशन आपको 100 से लेके 300 के बीच में आपको रख लेना है, जितना रखना है। हम यहाँ पर 250 रख लिए और यहाँ से क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक न्यू पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब ये पेज को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, सिर्फ यहाँ पर एक रूलर लगा देंगे। ठीक है, 32 का है तो 18 पर एक बीच में रूलर लगा देंगे। तो जब भी हमारा करिश्मा एल्बम बन के आता है वो 18x12 की होता है, 18x12 का ही होता है, और उसे जब हम ओपन करते हैं तो वो 36x12 हो जाता है, 12x36 आप बोल सकते हैं। तो इस पेज को हम सबसे पहले जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जूम कर लिए, उसके बाद सबसे पहले इस साइड हमें डिजाइन करना है, ये पार्ट में हमें डिजाइनिंग करना है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड बनाएंगे। उसके लिए यहाँ से लेयर में जाएंगे, न्यू लेयर यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे। ठीक है, ये वाला कलर चूज कर लेंगे और ओके, और उसके कीबोर्ड से आपको अल्ट और बैक स्पेस या डिलीट प्रेस कीजिएगा तो इस तरीके से यहाँ पे फिल हो जाएगा। और अगर इसका फिल जो है थोड़ा कम करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से कम भी कर लेंगे। ठीक है, इतना ठीक लग रहा है तो इतना रख लेंगे। अब यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पर जो कलर एरिया में जो हमारा कलर है इसे ब्लैक एंड व्हाइट ही कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट कर लेंगे। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद ये जो हमारा शेप है, शेप के अंदर हमें क्या करना है, स्ट्रोक यहाँ पर लगाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ शेप वाले लेयर पे जाना है, उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर स्ट्रोक ले लेंगे और स्ट्रोक आपको 50 के आसपास रख लेना है। पोजिशन आपको इनसाइड रखना है, ब्लेंड ऑप्शन जो है वो नॉर्मल रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे और यहाँ पर हमारा शेप तैयार हो गया। और इस शेप का एक कॉपी लेंगे हम, कीबोर्ड से आपको अल्ट प्रेस करना है और इसे पकड़ के ड्रैग करना है, तो इस तरीके से इसका एक कॉपी जाएगा। ठीक है, और ये दोनों के बीच में आपको कितना गैप रखना है वो आप कीबोर्ड के एरो की से आप देख लीजिएगा कितना गैप आपको रखना है। ठीक है, अब ये दोनों शेप को हमें सिलेक्ट करना है, एक साथ शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कंट्रोल टी करेंगे तो दोनों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और इसे इस तरीके से हम बड़ा कर लेंगे और उसे हम इधर लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, इतना हम लगा देंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा दो शेप तैयार हो गया। और एक तीसरा शेप हमें यहाँ पे तैयार करना हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम ब्रश यूज करेंगे। ब्रश यूज और एक यहाँ से ब्रश टूल ले लिया और यहाँ पर देखिए एक मिल जाएगा इस तरीके का ब्रश। देखिए इस तरीके का ब्रश आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा तो उसके लिए आपको क्या करना, यहाँ से एक न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेने से क्या हो जाएगा, ब्रश जब भी हम न्यू लेयर पे फिल करेंगे ब्रश से तो एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया है, ब्रश टूल से जो हमारा चैनल पे वीडियो बना हुआ उस वीडियो को आप देखें तो ब्रश टूल से रिलेटेड जितने भी डिटेल है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस ब्रश से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक डिजाइन तैयार करना है, शेप तैयार करना है। ठीक है, तो हमें किस तरीके से तैयार करना है, पर शेप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक किए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा के, फिर थोड़ा सा पीछे, पीछे से ऐसे करके क्लिक करेंगे उसके बाद। ठीक है, ब्रश को थोड़ा सा छोटा वोटा करके भी आप यहाँ पे कर लीजिएगा, डिजाइन की तरह बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। और थोड़ा सा हमें क्या करना है, फिर यहाँ से इरेज टूल लेना है। इरेज टूल लेने के बाद वही ब्रश हमें सेलेक्ट करना है, ये वाला ही ब्रश सेलेक्ट करना है और इसे थोड़ा सा हम इरेज करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से इरेज कर लेंगे और इसे भी इरेज करेंगे। ठीक है, और फिर से ब्रश लेंगे और यहाँ पर एक इस तरीके से बना लेंगे, थोड़ा सा और छोटा करेंगे इसे और यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, ये लगभग हमारा शेप बनके तैयार हो गया। ठीक है, एक बार और यहाँ से इरेज टूल लेंगे और यहाँ नीचे वाले को इरेज करेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा ताकि ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ब्रश लेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इस ब्रश में क्या करना है, ये साइड तो ऐसे ही रहने देना जैसे टेक्सचर टाइप का दिख रहा है वैसे ही रहने देना, और बाकी तीनों साइड को हमें क्या करना है, एक सीधी लाइन में यहाँ पर पेंट कर लेना है। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ से लेंगे शेप, रेक्टेंगुलर टूल लेंगे, यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल लेने के बाद इसे हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करके इसे एडजस्ट कर लेंगे, इधर दिख रहा है इधर भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया।
इंटर कर देंगे, फिर से रेक्टेंगुलर टूल लेंगे और इधर से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इधर से हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से मूव टूल ले लेंगे और थोड़ा सा एरो की से हम इसे यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब साइड में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अलग लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। अब ये तीनों को सबको क्या करेंगे, हम यहाँ से मर्ज कर देंगे, ठीक है। मर्ज कैसे करना है, सबको सेलेक्ट करेंगे तीनों लेयर को यहाँ से और उसका कंट्रोल ई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे पकड़ के उठाते हैं, ये सारे के सारे मर्ज हो गए। अब इसमें फिर से हम यहाँ ब्रश टूल लेंगे, अब इसे बढ़िया से हम पेंट कर लेंगे, इसे हम पेंट कर लेंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पर इरेज टूल लेके थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे ताकि यहाँ पे दिखे नहीं कि अलग शेप है, ठीक है। ये अब ठीक लग रहा है, ये हो गया। तो ये हमारा शेप तैयार हो गया, इसे पकड़ के हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसे हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, उसके लिए हमें कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करने के बाद इसे थोड़ा सा हम इस तरीके से बड़ा कर लेंगे, ठीक है। ये ठीक लग रहा, थोड़ा सा और बड़ा करना चाहेंगे तो और बड़ा कर लेंगे और इसे लगा दें। तो ऊपर नीचे देख लीजिएगा दोनों का गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इंटर कर देंगे। अब ये दोनों शेप है, ये दोनों का शेप का जो डिस्टेंस है बीच में उसे थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम कम कर लेंगे। और ये हमारा जो बड़ा शेप है इसे क्या करेंगे, ये दोनों शेप के हम नीचे कर देंगे। तो यहाँ से पकड़ के दोनों शेप के हम नीचे ले गए, ठीक है, ये हो गया। और ये शेप को थोड़ा सा और इसके अंदर ले आएंगे, ये जो हमारा शेप है इसके अंदर ले आएंगे, ठीक है। इस साइड का जो हमारा जितना भी शेप था वो तैयार हो गया, अब इस साइड के बच गया है तो इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अभी साइड शेप हमें तैयार करना है, तो यहाँ से इसका ही एक कॉपी ले लेंगे, देखिए ये वाला शेप है इसका एक कॉपी ले लेंगे, यहाँ से अल्ट प्रेस करके इसका कॉपी लेके आके यहाँ हम रख देंगे, ठीक है, ये चीज समझ गए। और इसे थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, इंटर कंट्रोल टी करके शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा इधर से छोटा कर लेंगे इतना, इंटर, और यहाँ से इसका एक कॉपी ले लेंगे, इसका एक कॉपी लेके इधर लगा देंगे, ठीक है। और ये दोनों का कॉपी ले लेंगे, यहाँ लेयर में दोनों को सेलेक्ट करके और अल्ट प्रेस करके इस तरीके से कॉपी लेंगे तो दोनों का यहाँ पे कॉपी आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को इस तरीके से बराबर करके हम लगा देंगे। अब ये चारों को हमें सेलेक्ट करके, ठीक है, चारों को हमें सेलेक्ट करके थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ, ये चारों शिफ्ट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इधर ले आएंगे, ठीक है। कंट्रोल टी, थोड़ा सा छोटा करना चाहेंगे तो थोड़ा सा हम छोटा भी कर लेंगे, ठीक है, इंटर कर देंगे। इस तरीके से हम शेप लगा दिए। अब इधर एक शेप बना लेंगे, यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल लेंगे और इधर एक शेप बना लेंगे, ठीक है। इस साइड में हम इस तरीके से एक शेप बना लेंगे, ठीक है, और ये शेप को हम इस तरीके से लगा लेंगे यहाँ बीच में, थोड़ा सा और इधर कर देंगे, इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गया। अब एक शेप लेंगे और इसके बीच में हम लगाएंगे, यहाँ से एक शेप लिए, यहाँ से हम रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये चारों जो शेप है इसके नीचे एक शेप लगाएंगे व्हाइट कलर का। तो यहाँ से हम रेक्टेंगुलर शेप जो टूल है यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। इसका कलर हम व्हाइट कर देंगे, इसका जो कलर है इसका कलर हम यहाँ से व्हाइट कर देंगे, व्हाइट हो गया। और इसका स्ट्रोक हम यहाँ से ले लेंगे और इसे हम कर देंगे ब्लैक, इसका स्ट्रोक जो है यहाँ से हम ब्लैक कर देंगे। उसकी साइज कितना रखना हो, साइज आप देख लीजिएगा, साइज यहाँ से हम बढ़ा लेंगे इतना, ठीक है, इतना रख देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। और इसमें शैडो वगैरह देना है तो इस पर आप डबल क्लिक करके इसमें ड्रॉप शैडो, यहाँ से ड्रॉप शैडो का ऑप्शन है, ड्रॉप शैडो भी आप दे सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉप शैडो दे दीजिएगा तो अलग इफेक्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। ये चीज हो गया। अब हमारा डिजाइन देखिए यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसे थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देते हैं, कंट्रोल माइनस जूम आउट करके ये हमारा डिजाइन यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। और कुछ टेक्स्ट वगैरह है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इमेज ओपन कर देते हैं, जो कि इमेज हम इसमें लगाएंगे वो यहाँ पे ओपन करके उसके बाद लास्ट में हम टेक्स्ट लगा के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिखता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज ओपन कर लेते हैं, यहाँ फाइल में जाते हैं, ओपन में जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इमेज ओपन कर चुका हूँ, उसके बाद एक एक करके यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और उस जो करिश्मा एल्बम है उसमें हम फिल करते हैं या क्लिपिंग मास्किंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज, और उसके बाद हमें उस पेज पे जाना है और सबसे पहला जो हमारा ये वाला शेप है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। शेप के अंदर क्या करेंगे, क्लिपिंग मास्किंग करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, शेप पे सेलेक्ट करना है, शेप सेलेक्ट हो गया, उसके बाद कंट्रोल वी करेंगे। कंट्रोल वी करने के बाद इमेज जो है उस शेप के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लेयर में जाके। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेना है इमेज को, कंट्रोल टी करके, और इस इमेज को थोड़ा इस तरीके से हम छोटा कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ले आएंगे, इंटर। उसके बाद आपको कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करना है और ये दोनों इमेज और शेप वाला जो यहाँ पर लेयर है इसके बीच में आपको अल्ट प्रेस करके यहाँ पर देखिए अल्ट प्रेस कीजिएगा तो इस तरीके से आइकन बन जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है तो वो जो इमेज है उस शेप के अंदर चला जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हम जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, तो देखिए ये इमेज है इसके अंदर चला गया, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। उसके बाद दूसरा इमेज यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, उसके बाद कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, और इस शेप को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करने के बाद इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं,
इंटर प्रेस कर देते हैं और इसे यहाँ लाके हम लगा देते हैं और उसके बाद कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करके इसे क्लिपिंग मास्क कर देते हैं, उसके अंदर ये इस तरीके से फील हो जाएगा। कंट्रोल टी करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है, ये इंटर प्रेस कर देंगे, ये दोनों हो गया। अब एक इमेज सेलेक्ट करके इसमें फिल करेंगे, जो बड़ा वाला शेप है हमारा, ठीक है, ये वाला है, इसे हम कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्लू और यहाँ पे आके इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल वी, ठीक है, और इसे हम यहाँ पे लगा देंगे थोड़ा छोटा करके, कंट्रोल टी करके इसे छोटा कर लेंगे हम, ठीक है, और इस तरीके से लगाएंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, हाँ ठीक है, और उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे और उसके बाद अल्ट प्रेस करके इसके अंदर क्लिपिंग मास्किंग कर देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर इमेज ये दिखने लगेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इस इमेज में थोड़ा सा आप डार्कनेस वगैरह ला सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लाइट इसमें दिख रहा है, तो यहाँ पर आप वो चीज़ कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, इमेज में जाइएगा एडजस्टमेंट में और यहाँ पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है, तो इस पर क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हम इसे बढ़ा देंगे, तो देखिए थोड़ा सा इसमें डार्कनेस आ रहा है और यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा सा हम कम करेंगे, इस तरीके कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा और कम कर देंगे, और इसमें थोड़ा सा साइड वो डार्क फील लाना है, तो इस इमेज में देखिए थोड़ा सा डार्क फील लाना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये अच्छा लगेगा। उसका फिल्टर में जाते हैं, कैमरा वो फिल्टर में जाते हैं, उसके बाद इस ऑप्शन का यूज करेंगे हम, यहाँ से देखिए, उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे, थोड़ा सा और डार्क करना है तो थोड़ा सा और इस तरीके से हम डार्क कर लेंगे, ठीक है। बेसिक कलर में आपको कुछ चेंजेस करना है तो बेसिक कलर में आप कुछ चेंज वगैरह कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, शैडो वगैरह बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो उस तरीके से यहाँ पे आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हाईलाइट्स ज़्यादा है तो हाईलाइट्स को कम भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसका क्लियरिटी यहाँ पर देखिए, क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्लियरिटी दिखेगा, यहाँ ओके कर देते हैं। अब देखिए पहले वाला जो इमेज था वो अलग दिख रहा था, अब देखिए जैसे हम इसमें कुछ एडिटिंग किए हैं तो ये इमेज कुछ अलग ही दिखने लगा है, तो ये चीज हो गया। अब जो सारे इमेज बचे हुए हैं उसे हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब ये वाला जो हमारा शेप है इसके अंदर क्या है, हमें स्ट्रोक को कम कर देना है, सब यहाँ पर स्ट्रोक है उसे हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, सबके स्ट्रोक को हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बंद कर देंगे। अब ये ठीक लग रहा है, वो स्ट्रोक था तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा गैप आ रहा था व्हाइट कलर का, तो अब ये परफेक्ट लग रहा है, ये सही लग रहा है, ठीक है। अब इसमें इमेज हम फिल करेंगे, यहाँ से एक एक करके इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्लू और आपको उस तरीके से इमेज को क्या करना है, फिल करना है, एक एक करके हम यहाँ फिल कर देते हैं कंट्रोल टी से बड़ा करके और इसे हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। फिर से इसे हम सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्लू और एक एक करके सबको हम लगा लेंगे, उसके बाद इसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्लू अल्ट प्रेस करके इसे उसके अंदर लगा लेंगे और इसे इस तरीके से हम इसे छोटा करना चाहेंगे, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम ताकि इमेज में वो सारे डिटेल दिख सके, इंटर कर देंगे। अब एक ये इमेज है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्लू और इसे यहाँ पे हम ये बड़ा वाला जो है इमेज इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर इसे क्या करेंगे, लगा देंगे यहाँ पे कंट्रोल टी से इसे बड़ा कर लेंगे, ठीक है, इंटर प्रेस कर देंगे और अल्ट प्रेस करके वो इसके अंदर हम इसे क्लिपिंग मास्किंग कर देंगे, ठीक है, ये चीज समझ गए। और ये इमेज का जो शेप है हमारा नीचे वाला, इसका एक कॉपी लेंगे हम, यहाँ से कंट्रोल जे से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और नीचे वाला जो शेप है इसे सेलेक्ट करके और इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है यहाँ से हम ओवरले कर देंगे और कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, ठीक है, इसे थोड़ा सा हम बढ़ा करके देखते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इसका जो कलर है इसका कलर हम व्हाइट करते हैं तो कैसा दिखता है, व्हाइट कर लिए तो व्हाइट कलर ही रहने देंगे, व्हाइट कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये चीज हो गया। इसमें भी अगर थोड़ा बहुत आप ड्रॉप शैडो वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। और एक ये शेप बच गया है, इसमें एक इमेज लेके हम यहाँ फिल कर देते हैं, ओपन में जाते हैं, यहाँ से एक इमेज ले लेते हैं कोई सा, ये इमेज लेते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्लू और इसमें हम क्या करते हैं पेस्ट कर देते हैं, इसे पकड़ के यहाँ पे कंट्रोल टी से और इसे बड़ा कर लेंगे हम, ठीक है, और इसे यहाँ पे लगा देंगे और अल्ट प्रेस करके इसके अंदर हमें क्लिपिंग मास्किंग कर देंगे, ठीक है, ये सारे इमेज यहाँ पे फिल हो गए। अब कुछ टेक्स्ट लेके यहाँ पे हमें लगा देना है, ठीक है, बेडिंग से रिलेटेड टेक्स्ट यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, ओपन में जाते हैं और गूगल से कुछ हम टेक्स्ट वगैरह जो है क्लिपिंग आर्ट जो टेक्स्ट होता है वो डाउनलोड करके रखे हैं यहाँ पे और उसे यहाँ पे हम ये टेक्स्ट है इसे ओपन कर लेते हैं और इसे यहाँ से पकड़ के और यहाँ पे हम लगा देते हैं कंट्रोल टी करके, इसे आप जैसे लगाना है वैसे थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा और इसे लगा दीजिएगा। और इसमें कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके यहाँ पर कलर ओवरले में यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर कलर ओवरले में जाके और इसमें जैसा कलर आपको लगाना है वो कलर आप ले लीजिएगा, ये कलर ठीक है, ओके कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट लगा दिए, नीचे भी कोई टेक्स्ट लगाना है तो नीचे भी एक नॉर्मल सा कोई टेक्स्ट लेके आप लगा लीजिएगा, ये लेते हैं इसे पकड़ के हम ड्रैग करके यहाँ पर नीचे लगा देते हैं, ठीक है, और इसे इस पर भी डबल क्लिक करके और इसका भी कलर ओवर ले जो है वो यहाँ से चेंज कर देंगे, तो इस तरीके से देखिए चेंज हो जाएगा। अब देखिए कुछ अलग ही इफेक्ट इसमें दिख रहा है जैसे टेक्स्ट लगाने पर। अब इसे थोड़ा सा
जूम आउट करते हैं कंट्रोल माइनस, और इस तरीके से यहाँ पर हमारा इमेज तैयार हो गया है, ठीक है। और जो लाइनिंग है यहाँ पर, इसे हटाने के लिए आपको कंट्रोल एच प्रेस करना है, तो इस तरीके से यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करिश्मा एल्बम शीट किस तरीके से डिजाइन हो गया और कितना अच्छा लग रहा है, एकदम बिल्कुल ही प्रोफेशनल टाइप का डिजाइन लग रहा है। तो इस तरीके से आप अपना क्रिएटिविटी यूज करें और करिश्मा एल्बम डिजाइन करें, ठीक है। इसका बैकग्राउंड जो येलो है, इस बैकग्राउंड को आप हटा के भी एक अलग लुक दे सकते हैं। इस बैकग्राउंड को जैसे हम बंद करते हैं तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे लुक आने लगता है, ठीक है। तो आपको जैसा रखना है उस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते। तो आशा है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसे फायदा हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके का वीडियो मैं आगे भी लाता रहूंगा और हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए भी हैं करिश्मा एल्बम से रिलेटेड, आप उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।